इस समय भारतीय क्रिकेट में एक खिलाड़ी की खूब चर्चा हो रही है। 20 साल के इस खिलाड़ी को भारत का नया विराट कहा जा रहा है और हर दिन के साथ ये खिलाड़ी नया इतिहास भी रच रहा है। आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं दिल्ली के यश धूल की। भारत को अंडर 19 विश्व कप जिताने के एक साल के अंदर ही यश धूल ने अब कमाल कर दिया है। दरअसल यश धूल को अब दिल्ली रणजी टीम का कप्तान बना दिया गया है। आपको बता दें कि यश धूल ने 100 टेस्ट का अनुभव रखने वाले तेज गेंदबाज ईशान शर्मा और आईपीएल स्टार नीतीश राणा की मौजूदगी में दिल्ली टीम की कप्तानी संभाली है, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी बात है। आपको बता दें कि यश धूल इतनी कम उम्र में कप्तान बनने वाले शानदार खिलाड़ी हैं। पिछले साल रणजी ट्रॉफी में उन्होंने अपने क्रिकेट करियर का शानदार आगाज भी किया था और बेहतरीन तरीके से उन्होंने डेब्यू में ही शतक और दोहरा शतक सब कुछ चढ़ गया। अब तक खेले गए 8 मैचों में उन्होंने 72 के शानदार औसत से 4 शतकों के साथ 820 रन बनाए हैं। ऐसा समझा जाता है कि दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA के शीर्ष अधिकारी इस सत्र से कड़े बदलाव करना चाहते थे और निरंतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को टीम में शामिल करना और उन्हें कप्तानी देने का उन्होंने मन बना लिया था। हालांकि ईशान शर्मा को अभी कुछ और मैच खेलने के लिए कहा गया है। अगर उनका प्रदर्शन ठीक रहता है तो वो टीम में बने रहेंगे, वरना उन्हें अब दिल्ली की रणजी टीम से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। आपको बता दें कि यश धूल अंडर 19 विश्व कप जिताने के बाद स्टार बन गए। इसके बाद आईपीएल में उनको उनकी होम टीम दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा, फिर उन्होंने रणजी में डेब्यू किया और शानदार तरीके से रन बनाए। अब उन्हें दिल्ली टीम का कप्तान भी बना दिया गया है। ऐसे में यश धूल के लिए बड़ी कामयाबी है। फिलहाल यश धूल की शानदार सफलता पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।